और बांग्लादेश से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश भेजने की मांग बांग्लादेश एससी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की मांग थी। शेख हसीना को गिरफ्तार कर ढाका भेजे, हसीना की बहन शेख रेहाना को भी ढाका भेजे भारत, यह मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, ताजा जानकारी बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश भेजा जाए, यह मांग की जा रही है। एससी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बाकायदा इसकी मांग की है कि शेख हसीना को गिरफ्तार कर ढाका भेजे भारत। हसीना की बहन शेख रेहाना को लेकर भी यह बात कही गई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोयवाल, हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, देखिए अखिलेश, आपको बता दें कि इस समय क्योंकि पुलिस वाले हड़ताल पर हैं बांग्लादेश में और पूरी अव्यवस्था की स्थिति है और लगातार जिस तरह की स्थितियां आ रही हैं, अब मांग की जा रही है कि शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को, ये छात्र संगठन वहां पर जो छात्र शिविर के लोग हैं वो अपने लिखित डॉक्यूमेंट में मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए जिससे उनके ऊपर लीगल और कानूनी मामले चलाए जा सकें। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि शेख हसीना का अगला कदम जो भी होगा वो पूरी तरह से उन पर निर्भर होगा, पर सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले 40 घंटे में संभवतः वो भारत छोड़कर चली जाएंगी। भारत छोड़कर कहां जाएंगी, यूरोप जाएंगी या किसी और देश जाएंगी, क्योंकि यूएस ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन सा देश है जो उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण इस समय ये आ जाती है कि बांग्लादेश की स्थितियां खुद इतनी खराब हो रखी हैं कि आने वाले कुछ घंटों में अगर सरकार बन भी जाती है तो भी अव्यवस्था की ये तस्वीरें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, जिसमें एक ओर लगातार हिंदुओं पर वार हो रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं, तो करीब 25 से ज्यादा आवामी लीग के कार्यकर्ता नेता मंत्रियों को मारा जा चुका है और ये सरकारी आंकड़े अभी कम आ रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि कल रात से ही मीडिया को दोबारा काम करने की सुविधाएं प्राप्त हो पाई हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन में लगातार मीडिया हाउसेस को तोड़ा गया है, वहां पर काम करने वाले पत्रकारों को मारा गया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सुविधा है और कई लोगों के शव तक गिरे हुए हैं जो उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है बांग्लादेश में। बिल्कुल ऐसे में देखिए अश्विनी सिवाल साहब, जो बात थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे, जिस बात का डर है कि अगर ज्यादा वक्त तक यहां पर शेख हसीना रहती हैं भारत में तो इस तरह की चीजें फिर शुरू होंगी। अब देखिए उस तरह की जो मांग होने लग गई कि आप उन्हें गिरफ्तार करके हमारे पास भेजिए, उन्हें बांग्लादेश में खलनायक की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे में अगर वो भारत में लंबे वक्त तक रुकेंगी तो भारत बांग्लादेश के संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है क्या? आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अब जो एंटी शेख हसीना सेंटिमेंट इतने ज्यादा हैं, एक बहुत ज्यादा आक्रोश है एक तो स्टूडेंट पे, और जहां सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन ने ये एक प्रकार से वर्डिक्ट पास किया है, ये एक चिंता का विषय है। ये तो सच्चाई है कि भारत कभी नहीं भेजेगा शेख हसीना को वापस बांग्लादेश, इसमें तो कोई चांस नहीं, मगर अगर वो ज्यादा देर भारत में रहती हैं तो भारत के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे ना हो, क्योंकि देखो जमात इस्लामी जहां अब बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी और ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की वो भी एंटी इंडिया है, और ये जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 के अंदर, 10 लाख से ज्यादा औरतों का रेप हुआ, 1 करोड़ के करीब लोगों को मारा गया, आज वही पार्टी वहां पर एक प्रकार सक्रिय होती जा रही है। तो ऐसे में भारत एक चाहेगा कि शेख हसीना को जल्दी से जल्दी कोई पॉलिटिकल असाइलम यूरोप में मिले और वो यहां से जाएं, क्योंकि भारत के लिए भी अच्छा नहीं है ना शेख हसीना के लिए अच्छा है। दूसरी बात, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व है बांग्लादेश के साथ, तो भारत को बहुत फूक फूक के चलना है, भारत के जो लोग 7% से ज्यादा हिंदू हैं उनके टेम्पल्स को बर्बाद किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको मारा जाता है, मीडिया बता नहीं रहा है क्योंकि वहां मीडिया ब्लैकआउट हो रखा था, मीडिया काम नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है जो अवामी लीग थी वो उसके सारे के सारे वर्करों को ये एक प्रकार से मार भी रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी जला रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन इसलिए ज्यादा होने के चांसेस हैं, जो कहते हैं 20 से ज्यादा जेल ऐसी हैं जहां से जो कैदी हैं वो भाग गए हैं और वो रेडिकलाइज थे, वो मिलिटेंट नहीं है सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कई कुख्यात आतंकवादी हैं उसमें जो कि वहां से फरार हो गए हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात, बिल्कुल अराजकता का माहौल है बांग्लादेश में।
शुक्रिया शिवाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।